गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फिफ्थ सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 6, बी माय मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। प्रीवियस पीरियड में हमने कीज स्टडी की थी और फाइंड ऑल द फैक्टर्स, उसके हमने 7 तक सम्स किए थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 7 नंबर था 53। अब हमें पता है कि 53 प्राइम नंबर है, जो खुद के अलावा और कोई भी टेबल में नहीं आता है। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर 1 और सेकंड नंबर इटसेल्फ। तो इधर 53 प्राइम नंबर है। ओके, 53 और कोई भी टेबल में ये नंबर नहीं आता है। तो हम इसके आंसर में 2 फैक्टर्स लिखेंगे, 81 और 53। नाउ 8 नंबर 58। ओके, अभी हमने लिया नंबर 58। तो ये नंबर सबसे पहले तो हम इसको 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 या 5, तो
ओके, थ्री से भी नहीं होगा, फोर से तो फोर से हो गया, ओके, फाइव से नहीं होगा, सिक्स से नहीं, सेवन से नहीं, एट से होगा, एट सर 64। फिर कौन से नंबर होगा, नाइन, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। अब जो भी नंबर से होगा तो वो नंबर इसमें इंक्लूड हो गया है, तो अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे ऐसे करके। देखो यहाँ पर एट नंबर टू टाइम्स आया है, तो हम उसको वन टाइम भी लिखेंगे। जब भी कोई भी नंबर टू टाइम आता है तो हमें दो बार सेम नंबर लिखना नहीं है, वन टाइम भी उसको लिखना है। ओके, तो 64 के क्या फैक्टर्स मिले हमें, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। ओके, अभी एक और कर ले 10 तक। अब इसका यूनिट डिजिट है 6, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो कितने 2 से 126। आपकी डिवीजन की भी प्रैक्टिस होती जाएगी साथ में, क्योंकि सेकंड सेम में डिवीजन के का चैप्टर है, डिवीजन और मल्टीप्लाई, ऐसे छोटे छोटे डिवीजन की प्रैक्टिस भी करते ही रहने की घर पे। ओके, 126। अब 3 के लिए सोचो, 1 + 2 + 6 कितने होते हैं, 9, तो 9 नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 126 भी 3 से डिविजिबल है। कितने 3 + 126, ओके। अब ये 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से होगा। देखो 6 की की क्या है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पर ये 126 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, 21 6 + 126, इधर लिखेंगे क्या 6। यहाँ जितना बड़ा नंबर उतने ज्यादा उसके फैक्टर्स है। अब आगे सोचो, 7 से नहीं 8 9 10 11 12 13, अब नहीं होगा मोस्टली, तो अब हम इसके लिख देंगे आंसर्स, फैक्टर्स लिख देंगे। 7 इसको यू कर देती21, 42, 63 and 126। ओके, 10 तक हमने दो लेक्चर में मिलकर टोटल 10 तक फाइंड ऑल द फैक्टर्स के सम्स का रिवीजन किया। और फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, वर्कशीट में कुछ लोग बहुत मिस्टेक करते हैं, ये टॉपिक पूछती हूँ तो प्राइम फैक्टर से मेथड कर देते हैं, ट्री मेथड कर देते हैं, सभी मेथड अलग अलग होती है तो उससे आंसर भी अलग अलग होते हैं। आप इसी से हमको ट्री मेथड से फाइंड करोगे तो भी अलग आंसर आएंगे, प्राइम फैक्टर से करोगे तो भी अलग आंसर आएंगे। इसीलिए पर्टिकुलर पहले जो भी मेथड है
वो मेथड को समझ लेना है और वही मेथड से सम्स को सॉल्व करना है। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स करें। डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अभी हमने जो फैक्टर्स निकाले थे ऑल द फैक्टर्स, उसमें ऐसा कौन सा फैक्टर्स आपको दिखा जो सारे सम में आ रहा है? वन। ओके, सबका सबके जो हम आंसर लिखते थे फैक्टर्स के, उसमें स्टार्ट वन से होता है। तो वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर हो, वो प्राइम नंबर हो, कंपोजाइट नंबर हो, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नंबर टू, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। कोई भी नंबर वन से मल्टीपल होता ही है, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। हमारे लेसन का नाम ही क्या है, बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मल्टीपल और फैक्टर्स। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। ओके, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन। नंबर थ्री, द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 12। अभी हमने जो 10 तक ऑल द फैक्टर्स के सम्स किए, उसमें आपको बिगेस्ट फैक्टर कौन सा लग रहा था? सब में अलग अलग थे, बट कौन सा था? लास्ट फैक्टर। ओके, और लास्ट के लिए मैं क्या बोलती थी? नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ 12 की अगर हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 12 के फैक्टर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो लास्ट में कौन सा नंबर आया? 12। नंबर इटसेल्फ इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज 12। और हम लिख सकते हैं नंबर, नहीं नंबर इटसेल्फ तो नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ नंबर का ही हमने आंसर लिख दिया। तो 12 का बिगेस्ट फैक्टर है 12। फोर नंबर, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 15। कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या था? सबसे पहला फैक्टर। और सबसे पहला फैक्टर कौन सा था? 1। हमने अभी फाइंड ऑल द फैक्टर्स के सम्स में जो फैक्टर्स फाइंड किए, तो मैं आपको बार बार बोलती थी कि आपके आंसर एसेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लास्ट में नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एट नंबर इटसेल्फ इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, फिर से ये सारे प्लान समझ लें। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर,
Every number is a multiple of 1. The biggest factor of 12 is 12. The smallest factor of 15 is 1. यहाँ कोई भी नंबर दिया हो तो आंसर 1 ही आएगा, और यहाँ कोई भी नंबर दिया हो तो आंसर वही का वही नंबर आएगा. ये ब्लैंक्स हमें बहुत इम्पोर्टेंट है. मैंने आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में वर्कशीट में भी ये सारे ब्लैंक्स आपको पूछी. अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीपल्स. टेबल सिंपल, जब भी मल्टीपल वर्ड आए आप अपने दिमाग में टेबल वर्ड याद करो. ठीक है, मैथ्स को ऐसे सिंपली वर्ड से हम और अच्छे से कर सकते हैं. ओके, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. अभी मैं यार नंबर्स लिख रही हूँ. नाइन मल्टीपल्स तो आपको नाइन से तक यह आंसर
शो करते हैं ओके। पर पहले हम फाइव मल्टीपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाइन का टेबल ओके। नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटी, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव ओके। फाइव तक हम मल्टीपल्स लिख रहे हैं। अब टेन नंबर, टेन वन जा टेन, टेन टू जा ट्वेंटी, टेन थ्री जा थर्टी, टेन फोर जा फोर्टी एंड टेन फाइव जा फिफ्टी। नाउ इलेवन नंबर, इलेवन वन जा इलेवन, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, इलेवन फाइव जा फिफ्टी फाइव ओके। हम टेबल मन में बोलते हैं और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। ट्वेल्व नंबर, ट्वेल्व के फर्स्ट फाइव फैक्टर्स, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटीन ओके। तो ये हमने टू थ्री फाइव नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व के क्या लिखे, फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ओके। अब हम थोड़े आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा मल्टीपल्स लिखेंगे। राइट फर्स्ट नाइन मल्टीपल्स ओके, नाइन तक हम लिखेंगे अभी। देखो यहाँ भी आपको टेबल पक्के हो गए तो फटाफट आप आंसर लिख पाओगे, वरना मल्टीप्लाई करके बैठना पड़ेगा ठीक है। तो ट्वेल्व के कौन से नाइन फैक्टर्स आए, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू, ट्वेल्व सेवन जा एटी फोर, ट्वेल्व एट जा नाइन्टी सिक्स एंड ट्वेल्व नाइन जा वन हंड्रेड एट। अब फिफ्टीन के नाइन तक फैक्टर्स की नहीं है। हंड्रेड वन ट्वेंटी वन फोर्टी वन सिक्सटी एंड वन एटी
ओके, तो ये सारे 20 के 9 फैक्टर्स हैं। अब हम देखेंगे 25 के अप टू 9 फैक्टर्स, सॉरी मल्टीपल्स लिखेंगे। अगर कोई बड़ा नंबर दिया है आपको टेबल नहीं आता है तो साइड में आपको मल्टीप्लाई कर करके उसके आंसर शो कर देगा। ओके, तो आज हमने क्या टॉपिक किया, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का दूसरा नाम है टेबल्स। तो टेबल्स के लिए हम डायरेक्ट इधर हमें आंसर लिखने होते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं लिखना कि 12 × 1 इज इक्वल टू 12, 12 × 2 इज इक्वल टू 24। ओके, एक और हम लिख देते हैं, जैसे मैं अभी बड़ा नंबर लिख लूँ, चलो 100 लिख लूँ, तो दिखने में आपको बड़ा लगेगा पर इसका सॉल्यूशन एकदम इजी होगा। 100 के 9 मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल का दूसरा नाम है टेबल्स। ऐसा बड़ा नंबर आपको मिल जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा होता है उतना इजी होता है। जैसे 20 का इजी है, 100 का इजी है, ठीक है। तो 9 मल्टीपल्स कर रहे हैं तो हमने 9 तक टेबल लिख दिए। इसके पहले हमने सम्स किए जिसमें हमें था फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो हमने 5 तक लिए। ओके, तो इस तरह से हम मल्टीपल्स के सम्स सॉल्व कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में हम न्यू मेथड का रिवीजन करेंगे।